हेलो बच्चों, मैं एमडी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज का जो वीडियो है उसमें हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 6 और 7 की जो गणित की कार्य पुस्तिका है, उस कार्य पुस्तिका का आकलन नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से 15 के गुणज है, 15 का गुणज है मतलब 15 के पहाड़े में वो संख्या आती है, तो वो कौन सी संख्या है? 30 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 12 का कोई एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब है कि 12 जिस उस पहाड़े में उस संख्या में 12 आते हैं, उस संख्या के पहाड़े में 12 आते हैं, तो 4 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, 48 किस संख्या का गुणज है? 48 किस संख्या गुणज है? तो 12 के पहाड़े में 48 आता है तो 12 का गुणज होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है तो 5436 आंसर क्या आ जाएगा? 5436। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है? गोला लगाइए। अब 5 से विभाजित होने के लिए शर्त यह है कि 0 लास्ट में होना चाहिए और 5 लास्ट में होना चाहिए, ठीक है ना? 60 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 115 है, 785 है, 555 है और 490 है, ठीक है? ये सारी संख्याएं क्या है? 5 से विभाजित है। नेक्स्ट, दी गई संख्याओं के गुणज और गुणनखंड लिखिए। प्रथम 5 लिखना है, पहले 32 के लिखेंगे तो 32 एकम 32, 32 दूनी 64, 32 दिया 96, 32 चौक 128 और 32 पंजे 160। अब गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2, 4, 8, 16 और 32, ठीक है ना? 60 का 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 180, 180 के बाद 240, 240 के पास 300, ठीक है? अब गुणनखंड होंगे इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60, ठीक है ना? नेक्स्ट, निम्न के सार गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं, 27 के, 90 के और 15 के। अब 27 के गुणनखंड हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, फिर 90 के लिखेंगे और फिर 15 के लिखेंगे। 27 के है 1, 3, 9 और 27, 1, 2, 3, 6, 5 भी है इसका, 5, 6, 9, 10, ठीक है, 9, 10, 15, 15 के बाद में 30, 30 के बाद 45 और 45 के बाद में जो है वो है 90, ये 90 के गुणनखंड है, ठीक है ना? नेक्स्ट 15 के, तो 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। हमें क्या निकले थे? सार गुणनखंड, तो हम यहाँ लिख देंगे सार गुणनखंड। अब सार गुणनखंड जो है 1, 3, ठीक है ना, क्योंकि और कोई सेम नहीं है, 1 है, 1 है, 1 है, 3 है, 3 है और 3 है, इसके अलावा कोई भी और संख्या समान नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, ये हमारे दोनों क्या हो गए, इसके आंसर हो गए। अगला, दी गई संख्याओं के गुणनखंड लिखिए और बताइए कि दी गई संख्या भाज्य है या अभाज्य, ठीक है? गुणनखंड लिखते हैं पहले, तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48, संख्या क्या है? भाज्य है। 35 के 1, 5, 7 और 35, संख्या क्या होगी? भाज्य। 63 के 1, 3, 7, 9 और 63, 21 भी है इसका और 63, संख्या क्या होगी? भाज्य। नेक्स्ट 57, तो 1, 3, 19 और 57, संख्या भी क्या हो जाएगी? भाज्य।
यदि केवल किसी संख्या के दो गुणनखंड हो, जैसे अब यहाँ पे लिखते 13, 13 के एक और 13 ही गुणनखंड है, तो वो संख्या क्या होगी? वो अभाज्य संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे तो एक से अधिक है, तो ये क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा आकलन नंबर 7। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।